दोस्तों नमस्कार, हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के उन टॉप 25 या 20 प्रश्नों की जो हमने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किए थे, और कुछ के आंसर्स आपने एकदम सही दिए थे, कुछ के आंसर सही नहीं दिए थे। तो आज हम उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जिन्होंने कम्युनिटी टैब पर ये प्रश्न देखे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जिन्होंने कम्युनिटी टैब पर ये प्रश्न नहीं देखे हैं वो भी इनको ज़रूर देखें। और ये जो प्रश्न है दोस्तों 20+ या 25 जो है ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आप घर बैठकर स्टडी करते हो 5 से 6 घंटे तक, तब जाके ऐसे प्रश्न प्रिपेयर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा करती है दोस्तों। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न जो था अपना, दोस्त थ्री मैन क्वारल्ड डैश देम सेल्व्स। मैक्सिमम लोगों ने अमंग का यहाँ पर जो है टिक किया है। अमंग सही होगा। अमंग क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है लोगों की जो आपस में लड़ रहे हैं वो 2 से अधिक है। डेट्स वाई वी यूज हियर अमंग, ना कि बिटवीन। तो अमंग का यूज 2 से अधिक संख्या होने पर हम यूज करते हैं, और अधिक ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो हमें बिटवीन और अमंग में से एक चूज करना पड़ता है। आगे देखते हैं, देयर वॉज अ पैसेज डैश द टू हाउसेज। तो यहाँ पर बिटवीन का यूज लोगों ने बताया, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर टू हाउसेज की ही बात हो रही है। जब टू थिंग्स की बात होती है, टू पर्संस की बात होती है, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, और टू से अधिक संख्या होने पर हम अमंग का यूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है, दिस बुक वॉज रिटन डैश क्यूल पेन। क्यूल पेन के साथ 88% लोगों ने विद का सही माना है, और ये सही आंसर है विद, बिकॉज क्यूल पेन एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ हम यूज करेंगे हमेशा विद का। जैसे कि एक प्रश्न था कि ही कट्स द एप्पल विद अ नाइफ, तो वहाँ पर विद का यूज जो है वो सही था, क्योंकि नाइफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ भी पेन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर स्पेलिंग सही नहीं है शायद पेन की, तो ये इग्नोर करना। आगे है, आर यू श्योर देयर आरंट डैश लेटर्स टू पोस्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम यूज़ करेंगे एनी का, और हमने यहाँ पर यूज़ किया, 99% लोगों ने आंसर दिया है एनी का, ये सही जवाब है। आर यू श्योर देयर आरंट एनी लेटर्स टू पोस्ट। एस यू आर यू को वैसे हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो ये होगा सुअर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वी वर सरप्राइज्ड डैश हर सडन डिसीजन। तो वी वर सरप्राइज्ड के साथ हमेशा आता है एट, हर सडन डिसीजन, एट यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन्स सक्सेस, सही जवाब होगा यहाँ पर ऑफ, 91% लोगों ने ऑफ पे टिक किया है, ऑफ कॉन्फिडेंट ऑफ का यूज यहाँ पर होगा। ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू टी, यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 88% लोगों ने टू पे टिक किया है, कुछ लोगों ने ऑन पे भी टिक किया है, तो वो लोग इसको करेक्ट कर लें कि इनवाइटेड टू होता है, ना कि इनवाइटेड ऑन, ठीक है। अगला प्रश्न है, वुड यू लाइक डैश कॉफ़ी सम कॉफ़ी, यहाँ पर इसका करेक्ट जवाब है, और यही इसका सही जवाब होगा। आई एम सॉरी आई हैव डैश फ्रेंड्स, ऑप्शंस बड़े अच्छे थे इसके, सम फ्यू अ फ्यू मैनी। वो दुखी इस वजह से हैं कि उसके पास न के बराबर मित्र हैं, तो न के बराबर वाला सेंस यहाँ पर दे रहा है फ्यू, तो यहाँ पर फ्यू का यूज होगा, काउंटेबल नाउन है फ्रेंड्स, ठीक है। डैश यू वर्क हार्डर यू विल फेल, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल ही होगे, तो यहाँ पर अनलेस का जो है यूज होगा वो सही है। आगे हम बात करेंगे, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन। तो ओ टू का यूज़ यहाँ पर करेक्ट है, 91% लोगों ने ओ टू को
टिक किया है, यू ought to have waited till the lights were green, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ought to का यूज होगा. यू डैश नोट ड्राइव फास्ट, देर इज ए स्पीड लिमिट हियर. यू मस्ट नोट ड्राइव फास्ट का करेक्ट आंसर होगा. कुछ लोगों ने शुड का यूज किया है, 15% लोगों ने, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शुड का यूज किया है जो कि सही नहीं है. यहाँ पर यूज होगा मस्ट का. जब आप एम्फेथेटिक एडवाइस दिया करते हैं और ये जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं इनके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं. आगे प्रश्न है, हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ज़्यादा लोगों ने यूज किया है यहाँ पर एम यू सी एच, मच को टिक किया है 80% लोगों ने, 18% लोगों ने मेनी को भी टिक किया है. हाउ मच टाइम यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो काउंटेबल नाउन ना होकर अनकाउंटेबल नाउन है. जब नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है तो हम मच का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर टाइम्स होता क्योंकि वो काउंटेबल हो जाता तब हम मेनी का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर मच का यूज सही है, करेक्ट करना है इसको दोस्तों. कैंडिडेट्स डैश शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंट्रिंग द एग्जामिनेशन हॉल. तो मस्ट का यूज 100% लोगों ने किया है. सही जवाब है, एम्फेथेटिक एडवाइज है, डेट्स वाई वी हैव यूज हियर मस्ट. आगे बढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स डैट देयर डैश बी इलेक्शंस एवरी 5 years. यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो क्लिक हो रहा है 69% वुड पर, जो कि एक गलत जवाब है. 27% लोगों ने शेल पे टिक किया है. तो दोस्तों यहाँ पर शेल का ही यूज होगा ना कि वुड का यूज होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स डैट देयर शेल बी इलेक्शंस एवरी 5 ईयर. ये एक्चुअली लीगल एडवाइज हो, लीगल सलाह हो या लीगल स्टेटमेंट हो, उसमें हम हमेशा यूज करेंगे शेल का. ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है दोस्तों. आगे बात करेंगे, डैश यू लैंड मी योर नोट्स प्लीज. तो कुछ लोगों ने यहाँ पर मे का यूज किया है 19%, और कुछ लोगों ने कैन का यूज किया है 79%. तो इन्फॉर्मल एडवाइस, इन्फॉर्मल वे में ये पूछ रहा है, जहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे, कैन यू लैंड मी योर नोट्स प्लीज. तो यहाँ पर कैन का यूज होगा, जो कि एक सही जवाब है. आगे प्रश्न है, If I had told the truth dash punishment. तो I had told, had told के बाद लोगों ने जवाब दिया है I would have escaped. Would have plus verb की थर्ड फॉर्म का यूज जो है सेकेंड क्लोज में किया गया है. जब आपको पहले क्लोज में if I had told देखने को मिले तो आपको सेकेंड क्लोज में यूज करना है I would have escaped. It means would have plus verb की थर्ड फॉर्म. बड़ा इजी प्रश्न है वैसे तो, नो नीड टू एक्सप्लेन. राम डेस क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई. तो राम हैज बिन अटेंडिंग, ये भी बड़ा इजी प्रश्न है. क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई, आपको सही जवाब टिक करना है. आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर आई स्लेप्ट, नहीं होगा यहाँ पर स्लिप होगा. 83% लोगों ने सही जवाब दिया है. 13% लोगों ने यहाँ पर स्लेप्ट का भी यूज किया है, जो कि एक गलत जवाब है. यहाँ पर होगा स्लिप. अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे. तो डच का यूज यहाँ पर सही है, यहाँ पर डच का ही यूज होगा. जस्ट वेट, आई नीड टू क्लीन माई स्क्रीन नाउ. यहाँ पर डच का यूज होगा दोस्तों, 97% लोगों ने डच का यूज किया है. डज शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे, सही जवाब है. डैश दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ. यहाँ पर हेड का यूज जो है वो सही है. हेड दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड. वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज सेकेंड क्लोज में हुआ है, तो आपको पहले क्लोज में हेड का यूज जो है वो सही है. कट द एप्पल डैश अ नाइफ. तो विद का यूज करेक्ट है, सही है विद, क्योंकि अ नाइफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है. हर अंकल डाइड डैश अ रोड एक्सीडेंट.
तो रोड एक्सीडेंट में अंकल की डेथ हो रही है, तो इनका जवाब यहाँ पर सही है, इन अ रोड एक्सीडेंट। लेकिन आगे हम प्रश्न देखेंगे, अगर सी डाइड डैश हार्ट अटैक, तो यहाँ पर ऑफ का यूज होगा, सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। किसी डिजीज से अगर आप किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर यूज होगा ऑफ का। तो ये प्रश्न थे, हम लोगों ने कम्युनिटी पेज पे पोस्ट किए थे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर डे अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। पिछले सप्ताह हमने डाले हैं इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक आप ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो हमें भी नई वीडियोज़ बनाने का जो है वो हमारा जो है मनोबल जो है वो इनक्रीज होता है कि कुछ और वीडियोस बनाई जाए या कुछ और प्रश्न पोस्ट किए जाए। तो आप प्रश्न जब पोस्ट करें तो वोट करने के साथ साथ उनको लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।